हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी टाइम आज के इस वीडियो में हम एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माए स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वॉज का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड बेंटिंग लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड मैक्यूले तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर लॉर्ड मैक्यूले लॉर्ड मैक्यूले ने शिक्षा का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रस्तावित किया था तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये मैक्यूले का तस्वीर है तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आइए जान लेते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ठीक है इन 1835 लॉर्ड इंट्रोड्यूस्ड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन हिस्ट फेमस मैक्यूलेस तो मैक्यूलिसाइव में शिक्षा का जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्यूलेस मिनिट में ये मैक्यूलेस मिनिट क्या है इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे विच वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश इंडियाज गवर्नर जनरल एच ए सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ड्यूरिंग दोष डे इन इंडिया तो उस समय में जो भी एजुकेशनल सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे उसके सोल्यूशन के तौर पर मैक्यूल मिनिट को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू स्प्रेड इंग्लिश नॉलेज इन इंडिया सो दैट ब्रिटिशर्स कैन इजिली रूल ओवर द कंट्री तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया में इंग्लिश नॉलेज स्प्रेड हो सके और ब्रिटिशर्स आसानी से इंडिया को रूल कर सके ठीक है तो ये था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है द तो फास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉच डैश इंडिया के फास्ट वाइस रॉय कौन था लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कर्जन या फिर नॉन ऑफ दिच तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग जो था वो इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग जो था उसने एबोलिस्ट किया था डॉक्टर ऑफ लेपस्ट को ठीक है इसे उसने एबोलिस्ट किया था और हमारा जो लास्ट वाइस रॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वो था लॉर्ड माउंट बेटेन ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा लॉर्ड माउंट बेटन लास्ट वाइस रॉय था उसके साथ साथ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड कर्जन के टाइम पर पार्टिसन ऑफ बेंगल हुआ था नाइनटी ओ नाइनटीन ओ फाइव में ठीक है उसके इसी के दौरान इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी लागू हुआ था उसके बाद लॉर्ड बेंटिक जो था उसने एबोलिस्ड किया था सती प्रथा को ठीक है ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एन्वायरमेंटल फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर सोशल फैक्टर या फिर मेंटल फैक्टर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन एन्वायरमेंटल फैक्टर तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा यहाँ पर जनसंख्या कहा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं कहा गया है तो किसी भी जनसंख्या को जो सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है वो एन्वायरमेंटल फैक्टर होता है तो इसीलिए ऑप्शन वन हो जाएगा आपका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है the immediate cause of the revolt of 1857 was death. 1857 जो सिपाही विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था Soldiers to be sent abroad, soldiers banned from wearing earring and sandalwood on forehead, soldiers not given allowance, use of greased cartridge by soldier. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए 1857 का जो रिवोल्ट का तात्कालिक कारण था यूज ऑफ ब्रिस्ट कैटरीज बाय सोल्जर

ये किस विद्रोह से संबंधित है ऑप्शन में दिया गया है सेंट यानी सन्यासी दिभागा तेलंगाना या फिर फराइजी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा सेंट्स मूवमेंट सेंट्स यानी सन्यासी के विद्रोह से संबंधित है आनंद मठ आइए जान लेते हैं ये जो सेंट मूवमेंट है यह क्या था ठीक है आनंद मठ इज इंस्पायर्ड बाय एंड सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन्यासी रेबेलियन इन द लेट एटीन सेंचुरी तो ये जो आनंद मठ किताब है ये सन्यासी रेवेलियन के ऊपर बेस्ड है और लेट एटीन सेंचुरी में जो सन्यासी रेवेलियन हुआ था उसी के ऊपर आधारित है तेभागा जो है वो भी एक मूवमेंट है वॉच सिग्निफिकेंट पीजेंट एजुटेशन इनिशिएटेड बाय बेंगल बाय ऑल इंडिया किसान सभा ये जो तेभागा मूवमेंट था ये भी बेंगल में एक विद्रोह का नाम है और वो किसने लीड किया था ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा ये विद्रोह हुआ था उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था फराइजी ये भी एक मूवमेंट था द फराइजी मूवमेंट वॉच ए मूवमेंट लीड बाय हाजी सरहतुल्ला

ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कुंजिकाल फॉल्स हो जाएगा इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंचिकाल फॉल्स की तस्वीर क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं सेवन में पूछा गया है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ऑप्शन में है कर्नाटका बिहार झारखंड जम्मू एंड कश्मीर तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया ऑप्शन इज द राइट आंसर जो सिल्क होता है उसे सेरी कल्चर हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है हाउ आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है ऑप्शन में दिया गया है इनडायरेक्टली सेकेंड में है बाय द मेथड ऑफ प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबुल थर्ड ऑप्शन में है बाय द मेंटिव असेंब्लीस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज या फिर ऑल ऑफ दी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ देक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं नाइन में पूछा गया है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इच डेस्ट भारत की सबसे लंबी नदी कौन है ऑप्शन में है गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी तो भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो है ऑप्शन नंबर वन गंगा ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा गया है इट इज द प्लेस विथ हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आप तस्वीर देख के आंसर को गैस कर सकते हैं तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मनसिन राम ऑप्शन में दिया गया है मनसिन राम नीलगिरी हिल्स नेतरहाट चिरापुंजी तो कई सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि चिरापुंजी जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है लेकिन जो मनसिन राम प्लेस है उसने चिरापुंजी को बीट कर लिया है और मनसिन राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा गया है हु रॉन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरीटोरीज संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है यूनियन टेरिटोरीज को कौन चलाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर या फिर ऑल ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया गया एडमिनिस्ट्रेटर वो यूनियन टेरिटोरीज को चलाता है ठीक है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में पूछा गया है हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जो ज्वाइंट सीटिंग होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है ऑप्शन में दिया गया है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को अध्यक्षता ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता करते हैं ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन में पूछा गया है हु इज कंसिडर्ड टू बी द वैलिड लॉर्ड ऑफ मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा आयुर्वेदा के वैध चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं आयुर्वेद में चिकित्सा के भगवान किसे मानते हैं ऑप्शन में दिया गया है सुश्रुत च्यवन धनवंतरी या फिर चरक तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री धनवंतरी ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर धनवंतरी को हम चिकित्सा का भगवान मानते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अवार्ड फॉर साइंस इन इंडिया साइंस कैटेगरी में जो हाइएस्ट एवॉर्ड है वो कौन सा है ऑप्शन में दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर एवार्ड दीनानाथ मग्नेशकर एवार्ड आर्यभट्ट एवार्ड या फिर द्रोणाचार्य एवॉर्ड ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर एवॉर्ड ये होता है साइंस के फील्ड में सबसे ऊंचा अवार्ड ठीक है जिसे दिया जाता है सी एस आई आर के थ्रू तो यहां पर आप देख सकते हैं शांति स्वरूप भटनागर जी को तो आइए जान लेते हैं ये जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है इसके बारे में और बाकी सभी अवार्ड के बारे में डिटेल में द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वॉच एस्टाब्लिश बाय सी एस आई आर इन नाइनटीन फिफ्टी एट ये नाइनटीन फिफ्टी एट में एस्टाब्लिश हुआ था द फास्ट विनर ऑफ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वॉच Krishnan, Krishnan, के एस कृष्णन ठीक है के श्रीनिवासा कृष्णन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवेन ईच ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये प्राइज दिया जाता है उसके बाद है दीनानाथ मग्नेशकर अवार्ड विल बी गिवन ईच एवरी ईयर टू ओनली वन इंडिविजुअल हु हैज मेड पाथ ब्रेकिंग स्पेक्टाकुलर एंड एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द नेशन इट्स पीपुल एंड द सोसाइटी तो सोसाइटी के लिए जो स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस होता है उसके लिए दीनानाथ मगनेशकर अवार्ड दिया जाता है उसके बाद जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया जाता है स्पोर्ट्स के कोचिंग के लिए जो कोचेस होते हैं उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य एवार्ड नेक्स्ट अवार्ड है द आर्यभ्टा एवॉर्ड आर्यभट्टा एवार्ड दिया जाता है नोटेबल लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रो एस्ट्रोनोटिक्स एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया इंडिया में एरोनोटिक्स एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है एस्ट्रोनोटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शांति स्वरूप भट्टागर अवार्ड के बारे में दीनानाथ मगनेश्कर अवार्ड के बारे में द्रोणाचार्य अवार्ड एंड आर्यभट्ट अवार्ड के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में पूछा गया है बैंक्स वेर फर्स्ट नेशनलाइज इन इंडिया ऑन जुलाई नाइनटीन नाइनटीन सिक्सटी नाइन हाउ मेनी बैंक वेर नेशनलाइज ड्यूरिंग दिस टाइम भारत में सर्वप्रथम बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण उन्नीस जुलाई में हुआ था तो यहाँ पर कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री फोर्टीन फोर्टीन बैंकों को भारत में फास्ट नेशनलाइज किया गया था ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू डैश ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है ऑप्शन में दिया गया है क्वालिटेटिव चेंज इन द कोर करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन रिजल्टेंट चेंज इन प्राइमरी एजुकेशन इनको इनकॉपरेशन ऑफ द नीड ऑफ द स्टेट्स इन प्राइमरी एजुकेशन डायग्नोसिस ऑफ वेस्टेज एंड ऑबस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसे लॉन्च किया गया था क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वालिटेटिव चेंज इन द कोर करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में पूछा गया है मिड डे मील स्टार्टेड एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल इन इंडिया तो जो मिड डे मील स्कीम है वो कब स्टार्ट किया गया था ठीक है तो ऑप्शन में दिया गया है फिफ्टींथस्ट अगस्त 1995 फाइव अक्टूबर 1998, नाइनटी अप्रैल 2002 या फिर फर्स्ट सितंबर 2008। तो यहां पर जो मिड डे मील स्कीम है या फिर एम डी एम जिसे कहते हैं वो शुरू हुआ था फिफ्टींथ अगस्त नाइन्टीन नाइन्टी फाइव को ठीक है ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा करेक्ट आंसर तो आइए जान लेते हैं एम डी एम स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में तो यहाँ पर जो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुआ था यहाँ पर लिखा गया है मिड डे मील स्कीम आज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम फिफ्टी अगस्त नाइन्टीन नाइन्टी फाइव अंडर द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इस नाम से ये शुरू हुआ था लेकिन 2021 सितंबर को ये जो नाम है इसे चेंज कर दिया गया और कहा गया पीएम पोषण ठीक है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इस नाम से इसे चेंज कर दिया गया है तो द मिड डे मील स्कीम वाज फास्ट लॉन्च इन तमिलनाडु कौन से स्टेट में फास्ट लॉन्च हुआ था तमिलनाडु आयो बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कामराज के कामराज के द्वारा ये मिशन स्टार्ट किया गया था इन अर्ली नाइनटीन में बाय टू टू स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ऑफ द स्टेट्स अंडर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो यहां पर आपको ध्यान रखना है के कामराज जी के नाम और फर्स्ट डेट कौन सा था उसे आपको याद रखना है तमिलनाडु में ये पहले स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एजुकेशन आर डैश सामाजिक शिक्षा के प्रमुख पक्ष हैं डैश मेकिंग लिटरेट इलिटरेट पर्सन ऑफ ओल्डर एज एजुकेट माइंड इन द पॉपुलेशन रिसीविंग सोशल एजुकेशन टू डेवलप ए सेंस ऑफ सिटीजनशिप या फिर ऑल ऑफ द एवोब तो सामाजिक शिक्षा का जो प्रमूल लक्ष्य है ये तीनों ऑप्शन सही बैठते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवोब ठीक है ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में पूछा गया है व्र इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड जो इंडिया का नेशनल डिफेंस अकेडमी है वो कहाँ स्थित है आगरा डेहराडून कानपुर या फिर खड़क वासला ठीक है तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है वो खड़क वासला में स्थित है ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर तो यहाँ पर एनडीए का आप लोगों देख सकते हैं नेशनल डिफेंस अकैडमी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में पूछा गया है वैन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टाब्लिश तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सीमा सुरक्षा बल जिसे कहा जाता है स्थापना कब की गई थी नाइनटीन सिक्सटी टू 1964, 1965 या फिर 1974. तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर बी जिसे कहते हैं इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1965 में ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा करेक्ट आंसर बी का जो स्थापना हुआ था वो 1965 फर्स्ट दिसंबर को हुआ था ठीक है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में पूछा गया है द मेन गोल ऑफ सोशल एजुकेशन स्कीम इज डेथ सामाजिक शिक्षा योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एडल्ट एजुकेशन टू इंक्रीज लिटरेसी इम्पैटिंग यूजफुल नॉलेज टू एंटरटेन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इम्पैटिंग यूजफुल नॉलेज ठीक है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देख लेते हैं ट्वेंटी टू में पूछा गया है एडल्ट एजुकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली बाय डैश प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है कौन से मेथड से इन कैंप्स थ्रू मास मीडिया फ्रॉम लेक्चर सीरीज फ्रॉम एग्जीबिशन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा थ्रो मास मीडिया मास मीडिया के जरिए हम प्रौढ़ शिक्षा को हम चारों तरफ फैला सकते हैं या फिर लागू कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में पूछा गया है द हाइएस्ट बॉडी प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री इज डैश देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च बैंक कौन सा है रीजनल बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव बैंक या फिर नाबार्ड नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर नाबार्ड जो है वो उपलब्ध कराता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के तु जो फाइनेंस होता है ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 24 क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला इस डैश विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप डैश है ऑप्शन में दिया गया है इंडिया आरबियन पेनिनसुला मेनलैंड या फिर कतार पेनिनसुला का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट थ्री साइड से ठीक है ये एक जमीन हो गया तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है और इसका जो एक साइड है वो मेन लैंड से कनेक्टेड है ठीक है तो उसे हम यहाँ पर पेनिनसुला कहते हैं जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर ये यह जो लैंड का पार्ट आप देख रहे हैं ये मेन लैंड से ऐसे कनेक्टेड है लेकिन बाकी जो तीनों तरफ है वो पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेनिनसुला हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीएन पेनिनसुला ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, तो है वहां पर कौन सही से मैच नहीं किया गया एग्रीकल्चर दिया गया है वहां पर एसोसिएट प्रोडक्शन के बारे में दिया गया है पीसी कल्चर जो एग्रीकल्चर है वो फिश से जुड़ा हुआ है उसके बाद सेरीकल्चर सिल्क उसके बाद कल्चर ग्रो वेजिटेबल उसके बाद एपीकल्चर बी तो कौन सा प्यार सही नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो फिश के लिए पीसी कल्चर वो भी सही है सिल्क के लिए सेरीकल्चर वो भी करेक्ट है वेजिटेबल ग्रो करने को हम कहते हैं ओलरी कल्चर वो भी करेक्ट है एंड बी फार्मिंग को हम कहते हैं एपी कल्चर ठीक है तो ये जो चारों ऑप्शन है चारों के चारों सही हैं तो यहाँ पर कोई भी प्यार गलत नहीं है ठीक है तो ये थे कुछ क्वेश्चन एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइए या या फिर नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है वहाँ जाके आप देख सकते हैं थैंक यू